तो दोस्तों आज दे इस वीडियो दे मैं तुहानू कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में दसूँगा जे तुसी यूरिक एसिड के शिकार हो चुके हो तो इन चीज़ों तुसी अवॉइड करना है। तुसी भुल के भी इन खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना है। तो दोस्तों आइए जानते हाँ वो किहड़ियां चीज़ां हन जिन्हां नूं खाण दे नाल अपना यूरिक एसिड होर भी वध सकता है। तो दोस्तों सब तो पहला है मूंगफली या फिर कागजी बादाम, क्योंकि दोस्तों बादाम और मूंगफली दे विच हाई मात्रा दे विच फास्फोरस हुंदा है। फास्फोरस और सल्फर की हाई मात्रा होण नाल यह एसिड लोड अपने शरीर का वधा दिंदा है और इस कारण अपने शरीर के यूरिक एसिड की मात्रा भी वध जाती है। इसलिए दोस्तों तुसीं बादाम और मूंगफली का सेवन नहीं करना है। तो दोस्तों इस तो बाद है नमक। तो दोस्तों जे तुसीं नमक ज़्यादा मात्रा दे विच खाने हो तो तुसीं इसनों भी अवॉइड करना है। बहुत सारे लोगों को आदत होंदी है कि खाने के नाल वह कच्चा नमक लैके बहिंदे हन। तो दोस्तों इह जिहा बिल्कुल ही नहीं करना है। जे तुसीं नमक नूं हाई मात्रा दे विच कंज्यूम करोगे जो तुहाडी बॉडी है जो तुहाडा शरीर है जो तुहाडे शरीर के अंदर प्रोटीन है उसनों यूज कर लग जाएगा एक्सट्रा साल्ट नूं हटाउण दे लई एक्सट्रा साल्ट तो लड़न दे लई अते इस प्रक्रिया दे विच तुहाडे शरीर दे विच ज़्यादा यूरिक एसिड प्रोड्यूस होगा। इसलिए तुसीं ज़्यादा मात्रा दे विच नमक नहीं खाना है। तो दोस्तों इस तों बाद जे तुसीं अल्कोहल बीयर या विस्की का सेवन करते हो तो दोस्तों यूरिक एसिड दे विच इसका सेवन काफ़ी खतरनाक है, क्योंकि यह तुहाडे यूरिक एसिड नूं होर भी तेजी नाल वधा देगा। जे तुसीं लगातार इसका सेवन करोगे तो तुसीं अगे चल के अर्थराइटिस का भी शिकार हो जाओगे। इसलिए दोस्तों तुसीं बीयर या अल्कोहल का सेवन बिल्कुल ना करो। तो दोस्तों यूरिक एसिड दे विच कुछ सब्जियां नूं भी नहीं खाना है। तो दोस्तों पालक मशरूम और गोभी इन्हां नूं तुसीं उन्ना चिर नहीं खाना है जिन्ना चिर तुहाडा यूरिक एसिड कंट्रोल दे विच नहीं होंदा। तो दोस्तों इस तों बाद है फिश। तो दोस्तों फिश दे विच यूरिन लेवल ज़्यादा होंदा है, इसलिए दोस्तों यूरिक एसिड दे विच तुसीं फिश का सेवन नहीं करना है। तो दोस्तों इस तों बाद अगली चीज़ जो है वह है दोस्तों कॉफ़ी। तो दोस्तों यूरिक एसिड के जो तुम कॉफ़ी या चाय नूं पीने हो तो यह तुहाडा यूरिक एसिड नूं होर भी वधा दिंदा है। इसलिए हो सके तो जिन्ना चिर तुहाडा यूरिक एसिड कंट्रोल दे विच नहीं आउंदा तुसीं कॉफ़ी और चाय का सेवन ना करो। दोस्तों इस तों बाद तलियां हुई चीज़ों का सेवन तुसीं नहीं करना है। तुसीं बनस्पति घ्यो तो बनी हुई चीज़ों का सेवन नहीं करना है। तुसीं कदे भी बाजार दे विच जाने हो या रेस्टोरेंट दे विच जाने हो तो दोस्तों उत्थे देखा जाता है कि वह बनस्पति घ्यो का इस्तेमाल करते हैं, जिमें कि दोस्तों छोले भटूरे समोसे हुए ये सारिया चीज़ा ही वनस्पति के तेल के बनाई जाए। तो दोस्तों यूरिक एसिड के इन्हों का सेवन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, यह तुहाडे यूरिक एसिड को होर भी वधा देगा। इसलिए दोस्तों बाहर का खाना बाहर की तली हुई चीज़ों का सेवन तुम बंद करो, तुम ट्रांसफैट तो बचो, यह यूरिक एसिड के बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो दोस्तों लास्ट में तुम कोल्ड ड्रिंक को अवॉइड करना है, क्योंकि दोस्तों इन्होंने हाई अमाउंट के शुगर होंगे है, इस बहुत ज़्यादा मात्रा में आर्टिफिशियल स्वीटनर पाया जाता है, नाल ही जिवें इस सोडा होया कार्बोनेट ड्रिंक होया। तो दोस्तों कोल्ड ड्रिंक का तुम बाहर सेवन नहीं करना, कोल्ड ड्रिंक का सेवन भी उन्ना चिर अवॉइड करना है जिन्ना चिर तुहाडा यूरिक एसिड कंट्रोल दे विच नहीं होता। तो दोस्तों ये चीज़ा सन जिन्हां नूं तुसीं यूरिक एसिड दे विच अवॉइड करना है, बिल्कुल भी नहीं खाना है। तो दोस्तों अज के वीडियो दे विच इन्ना ही। जे तुहानूं ये टिप्स ये जानकारी वधिया लगी तो इस वीडियो नूं लाइक और शेयर जरूर करना, जेकर तुसीं हजे तक साडे चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो सबसक्राइब कर लवो और इस वीडियो नूं देखने लई तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद।